एमएल सीरीज़ में नेक्स्ट आज हम जो देखने वाले हैं वो है हाइपरलिंक से चार्ट कैसे बनाते हैं, हाइपरलिंक को लिंक कैसे करते हैं और उससे फ़ोटोज़ भी अगर इंसर्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है, देखिए आप स्टूडेंट का बना सकते हैं, आप एम्प्लॉइज़ का बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कुछ एम्प्लॉइज़ के नाम दे रखे हैं, उनको कुछ स्कोर दिए गए हैं, उस स्कोर के अकॉर्डिंग उनको कुछ पॉइंट्स मिले हैं जो आगे उनके ऐड हो जाएंगे। तो जैसे हमने स्कोर पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे हम स्कोर पे क्लिक करते हैं तो स्कोर का वैल्यू ही ले रखा है। जैसे हमने पॉइंट पे क्लिक किया, देखिए ये पॉइंट की वैल्यू आ गई, यहाँ पे भी पॉइंट आ गया, यहाँ पे भी पॉइंट की वैल्यू चेंज हो, आप पूरी टेबल एक साथ देख सकते हैं। अब स्कोर पे क्लिक करते हैं तो देखिए पिक्चर्स भी ऊपर नीचे हो जाती है एक चार्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे वैल्यूज़ भी स्कोर की आ रही है 0 से 100 तक। यहाँ पे देखिए स्कोर का पॉइंट दे रखा है, यहाँ पे भी हमारा कर्सर जो है स्कोर पे आ जाता है। जैसे हम पॉइंट पे क्लिक करते हैं सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, यहाँ पे देखिए अप डाउन में हो गया और ये पॉइंट के आ गए जो 0 से 10 तक दे रखे हैं, यहाँ पे देखिए पॉइंट्स है, यानी हर एम्प्लॉइज़ को कुछ स्कोर पे पॉइंट दिए गए हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, हम स्कोर पे क्लिक करते हैं स्कोर चेंज हो जाता है, पॉइंट पे क्लिक करते हैं पॉइंट चेंज हो जाता है। तो ये कैसे किया जाता है, इसके लिए हम हाइपरलिंक को कैसे यूज़ करते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जो टेबल बनी हुई है हम इसी टेबल को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। हमने इसको कॉपी कर लिया, एक नई फाइल ओपन करके और वहाँ पेस्ट करते हैं। ये देखिए हमने इसको यहीं पे कॉपी पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे कुछ आपको फार्मूला दिखाई दे रहा है, इस फार्मूले को हमें यहाँ से हटा देना है। फार्मूला कैसे लगाना है, क्या लगाना है, वो हम सब अच्छे से देखेंगे। अभी हमारे पास यहाँ पे स्कोर और पॉइंट दे रखे हैं, यानी एक एम्प्लॉय ने इतने स्कोर अचीव किए हैं और उनको उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स भी मिले हैं। यहाँ पे हमें फार्मूला लगाना है, हम यहाँ पे हेडिंग भी स्कोर की डाल देते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे जब हम स्कोर लिखें तो स्कोर की वैल्यू आ जाए और पॉइंट लिखा हुआ है तो पॉइंट की वैल्यू यहाँ पे हमें शो करे। तो वो कैसे करते हैं थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ करना है। सबसे पहले हम फार्मूला लगा लेते हैं, वो फार्मूला हम लगाएंगे वीलुकअप का। यहाँ पे सबसे पहले वीलुकअप वैल्यू पूछा जा रहा है, वीलुकअप वैल्यू है ये, यानी पहला एम्प्लॉई जो है वो वीलुकअप वैल्यू है। टेबल अरे यानी स्कोर और पॉइंट कहाँ हैं हमारे एम्प्लॉइज़ के, इस मेन टेबल में, तो मेन टेबल को हम सेलेक्ट करेंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर डायरेक्टली देने की बजाय यहाँ पे हमें एक फार्मूला और अप्लाई करना है, एक कंडीशन देनी है, वो कंडीशन है इफ़। तो हम यहाँ पे इफ़ का कंडीशन लगाएंगे। अब इफ़ कंडीशन क्यों लगा रहे हैं वो भी ध्यान से देखिए। हमें इफ़ कंडीशन में लॉजिकल जो टेस्ट है ये वाला स्कोर वाला जो सेल है वो लेना है। यहाँ पे हम करेंगे इक्वल्स टू, अगर ये वाला सेल स्कोर है, हम इन्वर्टेड कॉमा में स्कोर लिख देते हैं, ध्यान से सुनेगा, अगर F1 की वैल्यू स्कोर की वैल्यू है, यानी F1 में जो डेटा लिखा हुआ है वो स्कोर है, तो कॉलम नंबर होगा 2, नहीं तो होगा 3, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो मेन टेबल है स्कोर का जो कॉलम दे रखा है वो है 2 और पॉइंट का जो दे रखा है वो 3, लेकिन हमने इसको वैल्यू किसको कंडीशन दे दी है कि भाई स्कोर वाला जो सेल है, जो F1 सेल है, अगर उसमें स्कोर है तो वो 2 हो जाए और अगर उसमें पॉइंट हो तो वो 3 हो जाए। तो हमने स्कोर को हाईलाइट कर दिया है। इसके बाद हम इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे, कॉमा और 0 एग्जैक्ट मैच के लिए 0 क्लोज़ किया, एंटर किया, ये देखिए यहाँ पे स्कोर की वैल्यू आ जाती है। लेकिन जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो देखिए अभी हमारे पास वैल्यू पॉइंट की आ गई, लेकिन हमें तो ये स्कोर के सारी वैल्यू चाहिए थी, तो हमें यहाँ पे कुछ कंडीशन देनी है, वो है फिक्स रेफरेंस की कंडीशन। तो हमें एक तो यहाँ पे ये जो टेबल जो हमने लिया है, टेबल का जो रेंज है उसको हमें फ़िक्स कर देना है, क्योंकि ये सभी के लिए होगा, इसलिए F4 से फिक्स रेफरेंस हम कर देते हैं इसको, और F1 की वैल्यू को भी हमें कर दें क्योंकि स्कोर के बाद वहाँ पे पॉइंट भी लेना है, इसलिए तो इसको भी हमें F4 से फिक्स कर देंगे, देन एंटर। अब इसको आप ड्रैग करें, ये देखिए सारी वैल्यू आ गई। क्या आपको फार्मूला लगाना है, किस तरह से लगाना है, इसको थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ, आप देखो इसको, ये देखिए ये इस तरह से आपको फार्मूला लगाना है, और इसी तरह से आपको डॉलर का साइन लगा के आपको इसको फिक्स देना है, और फिक्स का हम जानते हैं F4 कीबोर्ड से अगर हम F4 प्रेस करेंगे तो सेलेक्टेड एरिया फिक्स रेफरेंस में सेट हो जाता है। ये देखो स्कोर की वैल्यू आ जाती है। अब हम यहाँ पे अगर पॉइंट लिखते हैं
तो देखिए पॉइंट्स की वैल्यू आ जाएगी, स्कोर की वैल्यू लिखेंगे स्कोर की वैल्यू आएगी, पॉइंट लिखेंगे पॉइंट की वैल्यू आएगी, ये देखिए स्कोर की वैल्यू आ गई। अब हमें चार्ट बनाने से पहले एक स्टेप करना है, यहाँ पे जो स्कोर का जो सेल है, जैसे ये स्कोर का सेल क्या है B1 और ये है C1, इसका हमें नेम बॉक्स में कोई नाम दे देना है, एक छोटा सा कोड बनाना पड़ेगा, उस कोड के अकॉर्डिंग हम जब चार्ट बनाएंगे तो चार्ट में कैसे पिक्चर सब डाउन में होगी और उसका लिंक कैसे बनेगा इसके साथ, वो इसके लिए नाम हमें यहाँ पे देना है। हमने स्कोर का नाम दिया, जैसे हमने इसको स्कोर नाम दे दिया, ये स्कोर का नाम दे दिया, एंटर कर दिया, और पॉइंट वाले सेल का भी C1 का भी हम नाम दे देते हैं पॉइंट्स, ये इस तरह से हमने नाम दे दिए दोनों के। उसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पे जो काम करना है वो है अब चार्ट का, तो हमारे पास स्कोर और ये स्टूडेंट के नाम है, तो हम क्या करेंगे इनको ले लेंगे, यहाँ से हमने ले लिया और इसे हमें इंसर्ट में जाकर एक टेबल बनाना है, जो बनाएंगे हम लाइन चार्ट। लाइन चार्ट भी कौन सा, लाइन विथ मार्कर, ये हमने चार्ट इंसर्ट कर लिया। अब हमें इसमें सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो है इन ग्रिड लाइन को हटाना है, सेलेक्ट करो इन ग्रिड लाइन को, डिलीट कर दो। अब हमें यहाँ पे लिंक बनाने के लिए दो पॉइंट ऐसे बनाने हैं, दो बटन ऐसे बनाने हैं, एक तो पॉइंट का और एक स्कोर का, तो वो कहाँ से बनाएंगे, इंसर्ट में जाके स्टेशन में जाके शेप बना लेंगे। आप कई सारे बटन्स इस तरह से बना सकते हैं, आप जैसा चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। हम यहाँ पे अभी दो बटन बना रहे हैं, कंट्रोल डी से इसकी कॉपी बना लेंगे, शेप की बेसिक चीज़ है, और इसमें हमें एक में लिखना है स्कोर और इसकी साइज़ वगैरह हम इंक्रीज़ कर लेंगे, और इसी तरह हम यहाँ पर पॉइंट लिख देंगे। इस तरह से हमने एक पॉइंट और एक स्कोर का बटन बना लिया है, आप चाहें तो और भी बना सकते हैं। उसके बाद इसका लिंक बनाना है, ताकि जब हम यहाँ पे इस पर क्लिक करें तो ये पॉइंट स्कोर सेलेक्ट हो जाए और हम पॉइंट पे क्लिक करें तो पॉइंट सेलेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे लिंक कैसे बनेगा, तो उसके लिए हमें इस शेप को सेलेक्ट किया, बॉर्डर पर राइट क्लिक करेंगे, लिंक पर जाएंगे, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, ये लिया। यहाँ पे देखिए हमने जो सेल का नाम दिया था वो दिख रहा है, पॉइंट्स और स्कोर, तो हम स्कोर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे, और फिर सेम यही प्रोसेस आप पॉइंट वाले सेल का भी करेंगे। इसको सेलेक्ट किया, बॉर्डर पे राइट क्लिक किया, लिंक पे क्लिक किया और यहाँ पे पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। अब ये दोनों का हमने लिंक बना दिया है। अब लिंक बनाने से क्या हुआ है, जैसे ही पॉइंट पे क्लिक करते हैं कर्सर पॉइंट में चला जाएगा, स्कोर पे क्लिक करते ही स्कोर पे कर्सर आ गया, पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो कर्सर डायरेक्टली पॉइंट पे आ जाएगा। ये देखिए आप इसको, इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे जो लिंक बनाया है वो डायरेक्टली यहाँ से लिंक ऐड हो। अब नेक्स्ट जो आप को यहाँ पे एम्प्लॉइज़ की या किसी भी स्टूडेंट की फ़ोटो ऐड करनी है इन मार्कर पे, तो इस मार्कर को सेलेक्ट, यानी इस पूरी लाइन को हम सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे नीचे दिखेगा फॉर्मेट डेटा सीरीज़, यहाँ पे आपको फील का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये फील के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मार्कर का हमें पॉइंट सेट करना है, तो मार्कर को क्लिक करके मार्कर ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे बुलेट इंड को सेलेक्ट करेंगे, कितनी साइज़ आपको देनी है मार्कर की वो साइज़ सेट कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे हमने 21 दे दी, आपकी डिपेंड करती है आपकी पिक्चर किस टाइप की है, कितनी आप इमेज को ले रहे हैं उस मार्कर पे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको पॉइंट सेट करना है। सेट कर देंगे तो ये हमारी मार्कर की जो साइज़ है वो सेट हो जाती है। इन मार्कर्स में पिक्चर्स ऐड करने के लिए फील पे जाएंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा पिक्चर एंड टेक्सचर फील, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, नीचे आपको इंसर्ट का ऑप्शन दिखेगा, ये इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, आपको अपने डिवाइस से जो भी पिक्चर्स आपने स्टूडेंट की एम्प्लॉइज़ की जो सेट की हुई है वो आपको ले लेनी है। अभी जैसे हमने यहाँ पर कोई पिक्चर ली, ये देखिए इस तरह से पिक्चर ऐड हो जाती है।
अभी एक ही सेम पिक्चर, क्योंकि सारे मार्कर सेलेक्ट हैं इसीलिए सब में सेम पिक्चर आई है। अगर हमें चेंज करना है अलग अलग में, अलग अलग एम्प्लॉयज़ की पिक्चर सेट करनी है, तो उसी पे आपको डबल बार क्लिक करना है, फील्ड में जाना है, यहाँ पे वही पिक्चर और टेक्सचर फील्ड वाला ऑप्शन लेना है, इंसर्ट पे जाना है, अपने पीसी से पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी है और ओके कर देना है। ये देखिए पिक्चर चेंज हो गई। इसी तरह से वन बाय वन आपको सारी पिक्चर सेट करनी है। तो इसी तरह से हम एक एक पिक्चर सेट कर देंगे। अब ये लिंक तो हमने बना दिया, लेकिन लिंक से अभी क्या हो रहा है हमारे पास, सिर्फ हम स्कोर को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे स्कोर सेलेक्ट होता है, यहाँ पे पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं खाली पॉइंट सेलेक्ट होता है, लेकिन ये इमेजेस चेंज नहीं हो रही है और ये वैल्यूज भी चार्ट में चेंज नहीं हुई। इसके लिए एक छोटा सा कोड आपको देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखें कि ये वाला जो रेंज है, ये वाला जो सेल का एड्रेस, उसको आप नोट कर लें। ये है हमारा F1 और शीट कौन सी है, शीट 1। तो इसमें आपको एक कोड डालना है। कोड डालने के लिए अल्टर F11 करेंगे और यहाँ पे जैसे शीट है, शीट पे राइट क्लिक करके व्यू कोड कर देंगे। व्यू कोड करने के बाद ये जनरल ऑप्शन है, जनरल ऑप्शन हटा के आपको यहाँ पे लेना है वर्कशीट। अब यहाँ पे हमें कोड जो लिखना है, शीट 1 डॉट रेंज ब्रैकेट ओपन F1, क्योंकि वो ही सेल हमारा था F1, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लेंगे, इसको क्लोज कर देंगे, डॉट वैल्यू इक्वल्स टू सेलेक्शन डॉट वैल्यू। ये कोड आपको एज इट इज लिखना है। जो शीट है आपकी, वो शीट का रेफरेंस आपको देना है और जो सेल है, जो स्कोर और पॉइंट का हमारा जो सेल था, उस सेल को यहां पे लेना है। जो सेलेक्शन रहेगा उसकी वैल्यू यहां पे आ जाएगी, F1 की वैल्यू बनेगी सेलेक्शन की वैल्यू, इसीलिए कोड हमने यहाँ पे दिया है। अब ये इस तरह से कोड आपको लिख लेना है और कोड लिखने के बाद इसको हम क्लोज कर देंगे। अब हम स्कोर पे क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा स्कोर चेंज हो रहा है, पॉइंट पे क्लिक करते हैं पॉइंट चेंज हो रहा है, यानी ये इमेजेस भी सारी अप डाउन में आपको दिख रही है। जैसे स्कोर आता है यहाँ पे देखिए 0 से 100 तक आ गया स्कोर आपका, क्योंकि इसी के बीच में दे रखा है। जैसे पॉइंट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे देखिए 0 से 10 तक आ गया, इसी के अंदर इसकी वैल्यू है और सारी इमेजेस भी अप डाउन में आपको दिखाई दे रही है, जिसका नाम है जितनी उसने स्कोर या पॉइंट अचीव किया है वो दिख रहा है। देखिए उसने स्कोर कितना किया है तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है, जैसे अजय ने 50 किया है, बबली ने यहाँ पे 10 किया है, इस तरह से आपको अप डाउन में ये चार्ट दिख रहा है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग किया जा सकता है। एक छोटा कोड डालना पड़ता है, लेकिन हम इसके कोड का VBA का पूरा एक कंप्लीट पैकेज आपके लिए लेके आएंगे तो आप वो ज़रूर देखेगा। एक छोटा सा कोड था इसलिए आपको इसके अंदर बताया है। एज इट इज़ जैसा टाइप किया हुआ है वैसा वैसा आपको भी टाइप कर लेना है।